ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अक्सर मैं क्या देखता हूँ कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो मेरे पास आते हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, कि गुरुजी चलती चलती दुकान बंद हो गई है, धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, और कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा जो व्यापार है वो फिर से पटरी पर आ जाए। तो बहुत ही गूढ़ रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह की जो है समस्याएं आजकल लोग फेस कर रहे हैं, और क्यों किसी का जो व्यापार है वो दिन रात तरक्की करता है, और क्यों दूसरी तरफ किसी का व्यापार बिल्कुल भी चल नहीं पाता है। तो ऐसे में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो स्वतः ही आपका जो व्यापार है वो उन्नति की ओर जाने लगेगा। सबसे पहले तो आपको लोकेशन देखनी होगी कि आपकी लोकेशन कैसी है। अगर आपका व्यापार पहले ठीक चलता था और एकदम से बंद हो गया, तो इसमें कुछ तांत्रिक उपाय किए जा सकते हैं। तो जब भी आप कोई अपना नया बिजनेस शुरू करें, कोई ऐसा व्यापार शुरू करें, तो उस दिन आपको सितारों की स्थिति देखनी पड़ेगी। अब ये कैसे देखते हैं? अब एक महीने में 30 दिन होते हैं। उन 30 दिनों में जो चांद है वो अनेकों बार अपनी दिशा बदलता है, अपना रंग बदलता है, अपना रूप बदलता है। उसी के अनुसार व्यापार करने का मुहूर्त तय होता है। जब आप देखें कि जो चांद है वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चांद जो है वो उजाली की तरफ बढ़ रहा हो, जो मिडल है वो है पूर्णिमा। जब चांद पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा हो, उस बीच में आप कोई भी व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूर्णिमा के दिन आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऐसा किया गया कोई भी व्यापार जो पूर्णिमा के दिन प्रारंभ हुआ हो, या फिर जैसे चांद जो है वो प्रकाश की तरफ बढ़ रहा हो, उसमें अगर आपने कोई अपना व्यापार स्थापित कर दिया तो वो प्रकाशित ही होता रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आपने अपना व्यापार न्यू मून पर, मतलब कि अंधकार में, अमावस के दिन शुरू किया, तो उसमें काफ़ी अड़चने आएंगी, विघ्न आएंगे। तो जब भी कोई व्यापार शुरू करें, उस समय आपको देखना है कि जो आप पहला दिन जो आपका होगा वो पूर्णिमा का हो, पूर्णिमा के दिन आपको शुरू करना है। दूसरी बात है कि आपका जो सिंह द्वार है वो किस तरफ है। सिंह द्वार होना चाहिए ऐसा कि जिसमें आए पैसा। आपको सिंह द्वार जो है वो सूर्य की तरफ करना है, कि उसकी जो धूप है वो आपके भीतर आए। तो इस तरह से दिशा का निर्धारण कीजिएगा कि सूरज की जो किरणें हैं वो आपके दुकान में, आपके व्यापार स्थल में आती रहें। तीसरा है कि अपने जो सिंह द्वार है, अगर व्यापार पहले चलता था और एकदम से बंद हो गया है, तो सात हल्दी की गांठें बांध कर, साबुत हल्दी जो होती है उसकी गांठें बांध कर, लाल कपड़े में लपेट कर अपने सिंह द्वार पर कहीं लटका दें। ऐसा करने से बंद हुए व्यापार भी चलने लग जाते हैं। इसके बाद जो उपाय आता है वो है चिरमी के बीज। चिरमी के बीज लाल रंग के, ये लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। अगर इन्हें आप अपने गले में रखते हैं तो भी आपका व्यापार जो है वो दिन रात तरक्की ही करता रहेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, एक चांदी का सिक्का बनाते हैं हवन से, काफ़ी ऋचाएँ होती हैं जिनको अभिमंत्रित करके उस सिक्के को बनाया जाता है, उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपनी धन की तिजोरी में रखिए, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। ऐसे अनेकों उपाय हैं, तांत्रिक उपाय भी हैं। अगर किसी ने कुछ किया कराया हो, चलता चलता आपका जो बिज़नेस है वो ठप हो रहा हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसी अनुसार आपको यंत्र मंत्र और तंत्र, इन सब का एक ऐसा अजूबा बना कर दूंगा कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अगर बंधन भी किया हुआ है वो भी कट जाएगा। किसी भी तरह की समस्या हो कॉल कीजिएगा 999-284-1625, और 24 घंटे के भीतर भीतर आपकी जो परेशानी होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।